हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज हिंदी। फ्रेंड्स, आज के पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं वो 3 के मल्टीपल में लेने हैं, प्लस 2 स्टिचेस हमने एक्स्ट्रा लेने हैं 3 के मल्टीपल में और 2 एक्स्ट्रा। जैसे मैंने यहाँ पे 41 यानी 41 फंदे लिए हैं। देखिए, ये हमने रॉन्ग साइड से शुरू करना है पैटर्न अपना। जो हमारे पैटर्न की हमारी राइट साइड है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। पैटर्न की फर्स्ट रो जो है रॉन्ग साइड से, देखिएगा, फर्स्ट स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे या हम स्लिप कर सकते हैं पर्ल वाइज, जैसे उल्टा बुनते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसके लिए हमने एक बार ऐसे धागा लपेटना है और फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हम ये पूरी रो में एक एक उल्टा जो है वो धागा लपेटते हुए ही बुनेंगे। ये देखिए, तो इस तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। धागा लपेटेंगे, उल्टा बुनेंगे, धागा लपेटेंगे, लास्ट वाला फंदा जो है वहां तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने पूरी रो को उल्टा बुन लिया है एक बार धागा लपेट के हर फंदे में। अब लास्ट स्टिच को हमने उल्टा बुन लेना है। अब टर्न करेंगे, जो हमारा सेकेंड रो है राइट साइड है, इसमें हमने क्या करना है, देखिए, फर्स्ट स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे। अब ये हमारा स्टिच है, इसे हमने उतार लेना है। ये जो हमने धागा लपेटा था इसे हम गिरा देंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच को उठाएंगे, फिर धागे को गिरा देंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच को उठा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये 3 फंदों को उठा लिया। अब इन तीनों को हमने एक साथ इस तरह से उल्टा बुन लेना है एक बार, गिराएंगे नहीं, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, एक बार इन तीनों को एक साथ सीधा बुनेंगे, फिर गिराएंगे नहीं, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक बार फिर से इनको एक बार उल्टा बुन लेंगे तीनों को। ये देखिए, तो हमने ये 3 फंदों को फिर से 3 बना लिया है 3 बार बुनकर। फिर से देखिएगा, ये हमने गिरा दिया जाली जो हमने धागा लपेटा था, एक फंदा उठाया, फिर जाली गिरा दी, फिर एक फंदा उठाया, फिर जाली गिरा दी, फिर एक फंदा उठाया। अब इन तीनों को हमने एक बार उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे ले गए, एक बार सीधा बुना, फिर धागा आगे ले आए, एक बार फिर से उल्टा बुन लिया इस तरह से। बस यही हम बार बार रिपीट करते रहेंगे इन 3 फंदों को। ये जाली गिरा देंगे, फंदा उठाएंगे इस तरह से, जाली गिरा देंगे, 3 फंदे हमने उठा लिए फिर से, इन्हें एक बार उल्टा बुना तीनों को, फिर धागा पीछे ले गए, फिर सीधा बुना तीनों को, फिर धागा आगे लेकर आए, फिर उल्टा बुन लिया तीनों को। तो ये हम जो है हमारे लास्ट स्टिच तक, यहाँ तक हम इसे रिपीट करते जाएंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये रो 2 हमारी राइट साइड की कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट वाला जो हमारा फंदा है उसे हमने सीधा बुन लेना है और टर्न कर लेंगे। अब जो हमारी रो 3 है, ये रॉन्ग साइड है हमारी, रो 3 को हमने सेम रो 1 की तरह बुनना है। फर्स्ट स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे। अब जो सेकेंड स्टिच है इसे हमने इस तरह धागा लपेट के एक उल्टा बुन लिया, फिर धागा लपेटा, फिर एक उल्टा बुन लिया, फिर धागा लपेटा, फिर एक उल्टा बुन लिया, फिर धागा लपेटा, फिर एक उल्टा बुन लिया। ये 3-3 के सेट्स जो बन गए हैं, इन्हें हमने इस तरह से ही जैसे फर्स्ट रो में किया था सेम वैसे ही करेंगे। फिर जो हमारी सेकेंड रो होगी, नेक्स्ट रो होगी, उसको हमने फिर से रो 2 की तरह बुनना है राइट साइड पे। तो ये हमने रो 1 और रो 2 को जो है बार बार रिपीट करते जाना है। कुछ रोज मैं इसकी बना के अभी आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ रोज इसकी बनाई है, बहुत ही सुंदर ये पैटर्न और बहुत सॉफ्ट और देखिए बहुत थिक बनता है। बैक साइड से भी ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आप इसे स्कार्फ्स में, शॉल्स में, बेबी सेट्स वगैरह में, देखिए कितना फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट है, तो आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।